प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर है। और इनमें हम लोग पढ़ते हैं, इनमें हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी, उसी तरह सरफेस टेंशन, और फिर पढ़ते हैं विस्कोसिटी, और इसी में पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन तो या तो इसको हीट में ले लेते हैं, चैप्टर एक है उसमें, नहीं तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आता है। अब ये थर्मल एक्सपेंशन वाला आइडिया ये कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, ये कहता है जनरल टेंडेंसी। तो इसको एक बार देखो क्या होगा कि थर्मल एक्सपेंशन से क्या वर्ड हम बोरो कर लें, इससे बोरो कर लेते हैं एक्सपेंशन। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। अच्छा सोचो, एक ऑब्जेक्ट है एम मास का और वॉल्यूम है भी, तो जब हम इसको देखते हैं थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये थीटा के बदले ये थीटा में कुछ ऐड किया, प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा से घबराना मत, चेंज होता है वर्ड, तो चेंज इन मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, डेल्टा थीटा एक छोटा सा थीटा है, तो वो चेंज हुआ है टेम्परेचर में, बढ़ गया। तो टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो क्या लगता है, क्या ऑब्जेक्ट थर्मल एक्सपेंशन, लोहे का एक गोला हो खूब गर्म करें, उसका साइज वही रहेगा या कुछ बड़ा हो जाना चाहिए? एक्सपेंशन वर्ड से क्या दिमाग में आ बड़ा रहा है? तो बड़ा हुआ बड़ा हो जाना, तो वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा। अब यहां गौर करो, मास में क्या 1 किलोग्राम का गोला गर्म करोगे लोहे का तो वो क्या 2 किलोग्राम का हो जाएगा, 4 किलोग्राम का हो जाएगा अगर नहीं गर्म सर, मास नहीं करना है? चेंज होगा। मास नहीं चेंज होगा, तो एम तो सेम रहेगा। अच्छा ये बताओ, क्या नाम याद है डेंसिटी? डेंसिटी कैसे लिखते हैं? डेंसिटी लिखते हैं, मास डेंसिटी लिख रहे हैं ऑफ आप, शुरू वाला डेंसिटी देखिए, ये लिख रहे हैं अपॉन वॉल्यूम, और बाद वाला डेंसिटी है अपॉन वॉल्यूम प्लस डेल्टा भी। तो डेंसिटी क्या होता दिख रहा है? वॉल्यूम बढ़ गया तो डिग्री डेंसिटी क्या हो कम हो जाएगी? रही है। तो ये नॉर्मल आइडिया है कि डेंसिटी डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गया। यहां तक में कोई किसी को कंफ्यूजन? नो सर, ठीक। अब सोचो यदि यहां तक पहुंच गए आप, तो होगा क्या कि आपको पढ़ाया जाता है एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट कहते हैं कंसेप्ट कहलाता है इरेगुलर या एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर डेंसिटी या इरेगुलर बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ वाटर डेंसिटी। अब रेगुलर बिहेवियर क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगी, यह है रेगुलर बिहेवियर। रेगुलर बिहेवियर क्या है? रेगुलर बिहेवियर क्या है? वॉल्यूम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगा। लेकिन यहाँ वाटर के लिए हमने क्या कहा है? इरेगुलर बिहेवियर। इरेगुलर बिहेवियर क्या है इस ग्राफ से समझो, यदि यहां पर है डेंसिटी और यहां है टेम्परेचर,
तो देखा यह गया है कि डेंसिटी ऐसा होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी मिलता है हमें मैक्सिमम, और ये मिलता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। और यदि आप टेम्परेचर इससे बढ़ाएंगे तो भी डेंसिटी घटेगा, और इससे घटाएंगे टेम्परेचर तो भी डेंसिटी घटेगा, और 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा। और ध्यान से सुनिए, जैसे कि डेंसिटी ज्यादा है वो कहाँ रहना चाहता है, नीचे में, तो इसीलिए वाटर के बेस पर जो लिक्विड पानी होगा उस लेयर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री के पास होगा। यदि वहां कई तरह के लेयर्स हैं अलग अलग टेम्परेचर वाले, तो कौन से वाले सबसे बेस पे मिलेगा हमें, 4 डिग्री वाला, 4 डिग्री वाला। तो अब मुझे बताओ क्या है ये कंसेप्ट, इररेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर डेंसिटी। बाकी सारे दुनिया के जो एलिमेंट है उनके लिए मैं बोल लेता हूँ क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी है, 4 से आगे बढ़ेंगे तो भी घटने वाली है, 4 से पीछे आएंगे कम करेंगे टेम्परेचर तो भी घटने वाली है, घटते 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 सोचो ना 0 डिग्री पे आइस बन जाता है, आइस का तो वाटर से भी कम हो जाता है 0.98 या 0.97 टाइप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको अंदाजा अब लग गया, या 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको क्या अंदाजा लग गया, 4 डिग्री पे मैक्सिमम। अब बताओ इनमें कौन सा चित्र आपको अब याद रहना है, ऑप्शन बी, क्या ये सबको याद रहेगा? तो मैं क्या कहता हूं, ऑप्शन बी वाला चेक कर ले एक बार, 1, 2, 3, 4 में देखो तो 4 डिग्री वाला मैक्सिमम, उसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह जो है वो कम हुआ होगा, ठीक है? सर फीचर 26 और 27 भी रह गए। बहुत बढ़िया, अच्छा आपने याद दिला दिया ये क्वेश्चन। इसमें देखो अब मैं क्या करूं, यदि मैं आपको, आप मेरे पास रहते हैं 9th में, मेरे पास रहते हैं 10th में, तो हम लोग 9th वाले क्लास के शेड्यूल के दिन 12th का क्लास रखते हैं और 10th वाले शेड्यूल के दिन 11th का क्लास रखते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि 9th के साथ आप 10th वाला 11th वाला भी क्लास कर लो। यदि कर सकोगे तो सारे चैप्टर्स तो वहां पढ़ाते ही हैं, 10th के साथ 12th वाला कर लो, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए कोई आपको, मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा कि ये सीखो ही सीखो, अभी जैसे सुना और ऐसा है कि आप ये सेट कर सकते हैं दिमाग में। इवन जो मैं एनसीईआरटी लेके देखता हूं कभी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, उनमें भी बहुत जगह बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके यहाँ काम में आ रहे होते हैं, ठीक ना? तो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो यहाँ काम में आ रहे होते हैं, तो आप यहाँ भी उन्हें देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते आप। और यदि 9th, 10th में आपके नजर में आया हुआ है सामने तो याद है, तो बड़ी खुशी की बात। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन और कब कह रही थी आप? 26, 27 पहले ये क्लियर कर दूं, जिन लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया है वो एक बार हैंड राइज कर दो ना, जिससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए कौन कौन से बच्चे कंफर्टेबल हो गए। बहुत बढ़िया, यदि इतने बच्चे कंफर्टेबल हो गए तो आई थिंक गुड। तो ये काम हो गया अपने पास, ट्वेंटी 27 कह रहे हैं हमने इसका, 26, 27 अच्छा 26, 27 26
27 26 27 यहां देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 26 आया। इस क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हम लोग देखते हैं क्या किया जाए। इसे 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सारे हैं 1 ओम वाले आर कनेक्टेड एज सून, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इनका ये अभी तो सारे के सारे सीरीज में दिख रहे होंगे। तो आर ए बी यदि मैं कह दूं अभी, तो फिलहाल और क्वेश्चन पढ़ ही लेता हूं क्या कह रहा है कि यहां पर यदि हमने देख लिए इफ टू सिमिलर वायर एडेड एज शोन बाय द डैशेड लाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी चेंज इन रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आर ए बी इनिशियल देखो, ये आर ए बी इनिशियल वाला सिचुएशन है ये आप मान लो, और ये कितना हो गया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 ये हो गया 5 ओम ये इनिशियली। क्यों? क्योंकि आप यदि यहां बैटरी लगाते तो करंट यहां से जो निकलती उस करंट को तो एक ही रास्ता दिख रहा है, वो ऐसे चलते हुए चली जाती क्योंकि ये है अभी वो डैश लाइन वाला रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस पांचों के पांचों सीरीज में कहलाते क्योंकि एक ही करंट गुजर रहा है। लेकिन गौर करिए जब ऐसा हो फाइनली ये ऐसे आया और यहां भी रेजिस्टेंस है और तब ये ऐसे जा रहा है, यहां है ए और यहां है बी। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं बीच में मैं कलर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला। आप जब बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी जोड़ने पर क्या होगा, करंट ऐसे जाना शुरू करेगा, मान लो आई निकल के आया तो पहुंचना भी आई ही है दूसरी तरफ से, बैटरी से जितना करंट निकलता है वही वापस पहुंचता है। और यहां आके रास्ते देखो तो दो रास्ते हैं, तो क्या दोनों रास्ते अलग अलग हैं या एक जैसे सिमेट्रिकल हैं? तो ये बट गया आई बाई टू और ये भी करंट हो गया आई बाई टू, बराबर बट गए। तो यहां और यहां तो एक जैसा पोटेंशियल हो जाएगा क्योंकि यहां जो ड्रॉप होगा आई आर, यहाँ जो ड्रॉप होगा आई आर, तो जिसके कारण यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा मुझे एम और एम पे वो एक जैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो बीच वाला यहाँ रेजिस्टेंस हम रख रहे हैं इसका यहाँ होना ना होना बराबर एक जैसा है। तो बीच वाला रेजिस्टेंस यदि गायब हो गया, क्यों? क्योंकि एक एम और एन यदि सेम पोटेंशियल पे हो गए तो हम वहां कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अब जो करंट को आप चलते देखोगे वो कहां से चल रहा होगा, यहां से आई बाई टू और यहां से आई बाई टू। तो अब यहां पर देखो ये जो देखेंगे आप वन एंड वन, ये जो देखेंगे आप वन ओम एंड वन ओम सीरीज हो गए टू, वन ओम एंड वन ओम सीरीज हो गए टू, और जब टू और टू पैरेलल होंगे तो टू और टू पैरेलल में क्या लिखते हैं, टू इंटू टू बाई टू प्लस टू दैट इज 4/4 दैट इज 1। तो ये पूरा का पूरा किस में बदल गया, वन में, ये पूरा का पूरा जो है वो बदल गया वन में। तो ये वन, ये वन और ये वन, थ्री। तो फाइनली आर ए बी डैश कह दो, ये कितना हो गया 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो चेंज कितना हो गया, चेंज आ गया 5 - 3 दैट इज 2 ओम। जिन बच्चों के ये समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया राशि, मनिष्का, तपोव्रत, कार्तिक, नीलेश, अर्पिता, आरव, तन्मय, आद्या, शिवांशी, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया युक्ति। तो ये हम जो देख रहे हैं, यहां पहले और बता दूं मैं, ये एक कॉमन सा आइडिया है। जब आपको कभी पांच रेजिस्टेंस एक साथ दिखे, यदि कभी पांच रेजिस्टेंस एक साथ दिखे, ये वाला सीन जब भी कभी नजर के सामने दिखे, तो ये वाला सीन इसकी एक खासियत है कि यदि यदि इनके रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस है और यहाँ ये जेड है, तो एक कंसेप्ट आता है कि इफ पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस रेजिस्टेंस के लिए, देन करंट आई जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जेड को आप गायब कर सकते हैं, और ये कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, पांच रेजिस्टेंस का सर्किट। क्या नाम देते हैं इसे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका नाम है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक एग्जांपल और देख लें इस आइडिया को समझने के लिए। मान लो यहां पर है 4 ओम और यहां पर है 2 ओम, यहां पर है 2 ओम और यहां पर है 1 ओम, ये है बी और ये है ए और बीच में है 5 ओम। तो देखो तो ये जो रेजिस्टेंसों का आप जमावड़ा देख रहे हैं, आपसे पूछा गया आर ए बी बताओ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के क्रॉस, तो आप सॉल्व करते वक्त क्या करने वाले हो, सॉल्व करते वक्त क्या करोगे, तो सिंस 4/2 इक्वल्स टू 2/1 है ना, यदि ऐसा है 4/2 इक्वल्स टू 2/1, यदि ऐसा है तो काम बन गया। हेंस हेंस करंट थ्रू, करंट थ्रू 5 ओम इज जीरो, करंट थ्रू 5 ओम इज जीरो। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, आर ए बी हो जाएगा 4 × 2/2+1, सॉरी आर ए बी कितना हो जाएगा, तो आपने आप हैंस रिमूव रिमूव 5 ओम। अब आपने क्या किया, 5 ओम रिमूव करवा दिया, 5 ओम रिमूव करवा दिया, तो अब सर्किट में क्या बचेंगे, सर्किट में बचेंगे क्या, उन्हें चेक करिए एक बार। तो ये आपके हट गए, तो सर्किट में ये, तो यहां से करंट इंटर करता और यहां से करंट बाहर, इस बीच में देखो ये दो रास्ते पर गए, ये बीच में कोई करंट नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज 4+2 6 ओम। नीचे उसी तरह इनमें एक ही करंट गुजरा 2+1 3 ओम, और आर ए बी क्या लिख देते कि आपस में ये पैरेलल में है, 6 × 3/6+3 18/9 = 2 ओम। तो ये बैलेंस्ड स्टोन ब्रिज का एक कंसेप्ट है जो बहुत बार यूज में आ जाता है, 12th में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, इवन 10th में भी आसान है यदि समझ में आ जाए तो, 12th में तो अनबैलेंस्ड वाले को भी समझा देते हैं, कभी उसकी नींद नहीं। चलिए 27 देखते हैं। When sound is refracted from air to water, air और ये है water, water। अब मुझे ये बताओ, कल यदि आप लोगों ने चर्चा की, कल भी सुना हो, हमें याद आ रहा हो आपको, तो जब वेव जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एयर और वाटर, तो वेलोसिटी जो होगा एयर का और वेलोसिटी जो होगा वाटर का, ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो कैसे याद रखें, क्या कह रहा है, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो याद करो ना क्या लिखवाया था कंसेप्ट, नहीं तो अभी भी फिर से लिखो कॉपी पे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन सोर्स, कॉपी पे ये लाइन बहुत मजे से लिखो,
do not change, do, hence do not change, hence do not change due to reflection or refraction, due to change in medium. ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहा था. हेंस डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज ड्यू टू, हेंस डू नॉट चेंज, हेंस डू नॉट चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. हेंस डू नॉट चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. एक लाइन तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो भी देखिएगा. वेलोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. Velocity depends on properties of medium. ये हम लोग देख रहे हैं, velocity depends on properties of medium. याद करो. और तीसरा पॉइंट वेव में इंपॉर्टेंट है, v equals to f lambda. तो ध्यान से देखना, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एफ तो सेम कह दिया, वी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा. अब चूंकि वी भी नहीं बदला, लैम्डा भी नहीं बदलेगा, लेकिन रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन तभी टर्म यूज करते हैं जब मीडियम बदलता है, लेकिन एफ तो नहीं बदलेगा. Velocity किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? लैम्डा के. लाइट के लिए सबसे ज्यादा स्पीड है वैक्यूम में, लाइट के लिए सबसे ज्यादा स्पीड है वैक्यूम में. फॉर लाइट स्पीड सी, सी वैक्यूम इज ग्रेटर देन सी गैस, इज ग्रेटर देन सी लिक्विड, is greater than C solid. For sound, for sound is just opposite. V vacuum ये होता है zero, is less than V gas, is less than V liquid, is less than V solid. सॉलिड में तो जैसे एयर से लिक्विड में जाएगी, तो एयर से लिक्विड में जाने पर क्या होता है? मीडियम बदल गया. और लाइट के लिए तो डेंसर मीडियम है, लाइट से ह्यूमन आई सेंसिटिव है लाइट के लिए, तो आंखों से देख के जो डेंसर मिला वो लाइट के लिए डेंसर है, लेकिन साउंड के लिए जस्ट अपोजिट होगा. तो एयर से जब वाटर में गई साउंड वेव, तो वो लाइट के लिए तो डेंसर हुआ मीडियम, लेकिन वाटर जो है वो साउंड के लिए रेयर मीडियम है. रेडर मीडियम है, वहां स्पीड बढ़ गई, वहां स्पीड बढ़ गई तो वहां वेवलेंथ बढ़ गया होगा, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा. तो ये एनालिसिस के कुछ जो स्टार मार्क्स हैं, अपने अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये काम के हैं. वेव साउंड वेव पढ़ते हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं हम लोग साउंड वेव पढ़ते हुए. कोई पॉइंट यदि आपको लगे कि मैं पूछूंगा तो मेरा क्लियर होगा तो पूछो.
यदि आप इस पॉइंट तक आ गए तो अब क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लो, साउंड रिफ्रैक्ट हुआ मतलब एयर से वाटर में गया, तो साउंड के एयर से वाटर में जाने पर क्या नहीं बदलेगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और जिन लोगों के समझ में आ गया वो हैंड राइज कर दीजिए। बहुत बढ़िया, यहां पर आप ये जो देख रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट नंबर 50 बताया था मनीष का आपने, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने समझ लिया है। हर्षिता, नीलेश, शिवांशी, आप सब ओके है ना इस आइडिया के साथ अभी जो दिया गया है? सर 50 से पहले 47 भी है। 50 से पहले 47 भी है, ठीक है। नीलेश आपने कोई जवाब नहीं दिया, ओके है ना? शिवांशी आप भी कंफर्टेबल हैं इस आइडियाज के साथ? सर ये साउंड चैप्टर तो सिलेबस में नहीं हुआ करता था किसी जमाने में, अभी भी नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो हो सकता है टेस्ट में ना रहे, और लेकिन रहेगा तो आप ये भी नहीं कह सकते बुक तो खरीदा था उसमें तो चैप्टर है, गवर्नमेंट ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अभी थोड़ा सा आप उसको छोड़ के बोर्ड का एग्जाम दे लीजिए, तो हो सकता है कि ना रहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेकिन पिछले साल तो नाइन्थ में था सिलेबस में, या पिछले साल भी नहीं था हट गया था, आप लोग याद कर लीजिएगा, तो हो सकता है ना भी रहे। तो चलिए 50 से 47 पे चलते हैं। अब फोर्टी सेवन और फिफ्टी की कहानी देखें कि क्या है यहां छुपा हुआ। ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन वन एंड ऑफ ए रोप ऑफ लेंथ ए, a force F is applied on one end of a rope of length A. तो length मैंने मान लिया यहां से यहां तक का A length, जो length है वो length कितना है A. P and Q are two points of length B from nearest end. और ये जो है ये है B, यहाँ ये है A, आप ये दोनों देख रहे हैं, आप देख, हाँ 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 एक मिनट
एक मिनट में फिर वापस आता हूं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में यहां जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इन जगहों पे जो टेंशन होगा टी एट क्यू टी एट पी। सर हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था कि क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला जो स्पेस है और पी के जो राइट साइड वाला स्पेस है वो बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा है पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स ऑफ लेंथ बी फ्रॉम द नियरेस्ट एंड। अच्छा ये कह रहे हो? हाँ एक सर सेकंड मैं पढ़ लेता हूँ। टू पॉइंट्स ऑफ लेंथ बी बी फ्रॉम नियरेस्ट एंड, सही कह रहे हो आप एकदम परफेक्ट सही कह रहे हो। मैंने जल्दबाजी में गलत पढ़ा था, आप सही पढ़ रहे हो। ये यहां से यहां तक है B और ये यहां से यहां तक है B, और रस्सी जो आप मान लेते हैं ये मान लेते हैं पी क्यू तो पहले से नाम दिया गया है, मान लो ये सी डी रस्सी है, सी डी जो है ये है स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको लेकर के आता हूं व्हाइट पेज पे। यहां देखो, आप मुझे पहले ये बताओ ये एल लेंथ का मास है, पहले तो ये बताओ ये एक स्ट्रिंग है और इसको छत बांधा और ये एम मास आपने लटकाया 5 kg। सर आपका डायग्राम नहीं, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, अच्छा अभी नहीं दिख रहा? नहीं शेयर नहीं हुआ है? नहीं सर वो पेपर शेयर हो रहा है। अब शेयर हुआ? नो सर, आपको स्क्रीन शेयरिंग बंद करके फिर दोबारा उस पेज को शेयर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अच्छा चलो 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 ऐसा ही करता हूँ, पहले इसको बंद करते हैं। बंद करने का क्या तरीका? ओके फिर मैं आ गया यहाँ व्हाइट
अब दिख रहा है क्या? नो सर, अभी भी पेपर दिख रहा है, अब भी नहीं दिख रहा? अभी भी पेपर दिख ऐसा रहा है। कैसे? पेपर दिख रहा है, अब सर आपने बंद कर दिया है। बंद कर दिया तो रुक जाओ, अब लेता हूं फिर से। अब हाँ सर, अब दिख रहा है। ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग। अब इसमें टेंशन कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं, टेंशन कितना ये हम जानना चाहते हैं। तो रस्सी जो होता है वो केवल पुल कर सकता है, तो देखो ये पुल करता होगा ऊपर, और ग्रेविटी mg नीचे, 5 × 10 दैट इज 50। तो और ये रेस्ट पे दिख रहा है, कंटिन्यूअस रेस्ट पे, मोमेंटरली नहीं। तो यदि कंटिन्यूअस रेस्ट पे दिख रहा है इसका मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा हो। ध्यान से देखना, ये दूसरा एग्जांपल, इनको सॉल्व किया तो सॉल्व करते वक्त हमें ये मिल गया कि 50 न्यूटन। दूसरा एग्जांपल देखो, ये स्मूथ सरफेस पे आप एक रॉड रखा देख रहे हो या रस्सी रखा देख रहे हो जिसका खुद का मास है m, स्मूथ सरफेस है, और ये रोप है, तो रोप है मतलब हिंग है और स्मूथ सरफेस है, ये भी कह दिया मैं, फ्रिक्शन भूल जाओ, नहीं है कोई फ्रिक्शन विक्शन। अब आपको यदि मैं ये कहता हूं कि भाई इसके एक सिरे को लेफ्ट खींचने वाला हूं मैं और दूसरे सिरे को राइट, तो ये किधर जाएगा रस्सी, ये बताओ, ये रोप लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? सर दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कहीं नहीं जाएगा। तो यदि दोनों तरफ आपका एक दोस्त लेफ्ट खींचे, आपका एक दोस्त राइट खींचे, तो इसका मतलब आप कहीं नहीं जाने वाले। इसका मतलब ये जो है रोप, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम, खुला हुआ है गेट, इक्विलिब्रियम। आप यदि इसको इक्विलिब्रियम में हैं तो इक्विलिब्रियम में यहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, ये आप जानते ही हैं, एफ नेट जीरो। तो अब मुझे ये बताओ, यदि कोई पूछे कि यहाँ कितना रस्सी में, यहाँ मिड पॉइंट पे कितना टेंशन होगा या यहाँ पे कितना टेंशन होगा, यहाँ पे कितना टेंशन हो, ये 1 पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट पे, ये 3 पॉइंट पे, सर रस्सी में ऐसे क्या बीच में घुस के टेंशन पूछता है, सोचते हैं। तो यदि तुम्हें 1 पॉइंट के टेंशन देखना है तो एक काम करो, एक काम करो, तुमने केवल इन्हें सोचना है, इन्हें सोचना है। इस रस्सी को एक आदमी लेफ्ट खींच रहा है और कोई दूसरी तरफ का रस्सी इसको राइट खींच रहा होगा T1 फोर्स से, और ये दिख रहा है रेस्ट पे, ये दिख रहा है रेस्ट के बराबर हो जाएगा T1 के। फिर कोई कहता है T2 बताओ, यदि कोई कहता है T2 बताओ या T3 बताओ, तो हमने यहाँ वाला टुकड़ा सोचा, यहाँ वाला टुकड़ा क्या सोचा कि ये इसे सिस्टम सोचा और इसे रेस्ट पे देख रहे हैं, लेफ्ट वाला रस्सी खींचता होगा लेफ्ट, ये T3 नाम से फोर्स लगाओ और ये F, तो ये रेस्ट देख के क्या लिख देंगे T3 = F। अब यदि मैं बीच वाले टुकड़े की बात करूं कि बीच वाला टुकड़ा, तो बीच वाला जो टुकड़ा ये वाला रह गया टुकड़ा, उस टुकड़े को ये 1 और ये 3 इधर खींच रहा होगा T3, इधर खींच रहा होगा T1, और चूंकि ये दोनों F हैं तो ये भी कहीं नहीं जा रहा, ये भी होगा रेस्ट पे। तो हम कहते हैं कि जब ऐसे हॉरिजॉन्टली रॉड देखें रेस्ट पे हो, तो मास होने के बावजूद उसके हर एक टुकड़े में टेंशन एक जैसा होगा। ये 11th वाले बच्चों को भी मुश्किल से समझ में आता है, तो आपके यदि आए तो ये संयोग अच्छा है या आश्चर्य। यहां पर एक रस्सी है, ध्यान से देखिएगा, ये रस्सी खुद है 6 kg का, और ये रस्सी जो है इसकी लंबाई है 2 मीटर, इसको मैं स्ट्रिंग नहीं कह रहा, रोप कह रहा हूं, और इसके नीचे ना, इसके नीचे मैंने लटकाया हुआ है 14 kg का ये ब्लॉक, ब्लॉक
अब मुझे ये बताओ, ये जो रस्सी होगा, इस रस्सी को छत से मैंने लटकाया हुआ है, छत से बांधा और दूसरे सिरे से ये ब्लॉक बांधा, तो रस्सी का निचला वाला सिरा वहां कितना टेंशन होगा ये सोचना है आपको। रस्सी का निचला वाला सिरा यहाँ इस ऊपर वाले सिरे पे कितना टेंशन होगा, निचले वाले सिरे पे कितना सेंटर टेंशन होगा, बीच वाले सिरे पे कितना टेंशन होगा, हम जानना चाहते हैं। तो ध्यान से देखो, इस 14 kg ब्लॉक को नीचे कौन खींच रहा है, एम जी, दैट इज 14 g, यस सर, और रोक कौन रहा है, टेंशन जो रस्सी का बी पॉइंट पे है, तो टी बी यस किसके बराबर हो गया, 140। 140। दूसरे कलर में आ जाओ, ग्रीन कलर में लेता हूं। यदि आपको एकदम ऊपर वाला सिरा चाहिए, ऊपर वाला सिरा चाहिए, तो यहाँ पर 14 kg देख लो और ये 6 kg देख लो, और इसको अब देखो कि छत से बंधा हुआ, छत किधर खींचता होगा, ऊपर, और ये दोनों जो सिस्टम है, इस सिस्टम को नीचे कौन लाने की कोशिश करता होगा, 14 + 6 × g, दैट इज 20 g, 20 g, दैट इज 200। और ये किस पे दिख रहा है, कंटिन्यूअस रेस्ट पे, तो टी ए किसके बराबर हो गया, 200 N के, और ये हो गया था 140 N। टी ए पता चल गया, टी बी पता चल गया, मतलब छत पे दोनों को संभाल रहा है, 14 को भी और 6 को भी, तो 20 g, 200 हो गया, और रस्सी का निचले वाला सिरा केवल 14 kg को संभाल रहा है, क्योंकि वहां काट दो कैंची से तो 14 वाला नीचे गिर पड़ेगा, और ए वाले सिरे को काट दोगे छत से अलग होते ही 14 और 6 दोनों गिर पड़ेगा, तो 14 6 दोनों का जोड़ करके 200 N वहां दिखा टेंशन। और बीच वाले सिरे की यदि बात करेगा, तो बीच वाले सिरे के लिए ये देखो, ऐसे मैंने सिस्टम माना, इस सिस्टम को ऊपर रोकने का काम कौन करेगा, टीसी, नीचे खींचने का काम कौन करेगा, 14 + 3 g। अरे सर, आपने यहीं से क्यों सिस्टम माना, तो 6 को भुला दिया, ये माना 3 kg ऊपर है और 3 kg नीचे है, तो आपके सिस्टम में कौन कौन बैठा है, 3 kg और 14 kg, तो ये हो गया 70, 170। तो ये जो टीसी होगा, वो टीसी किसके बराबर हो जाएगा, 170 N। एक काम करो, हैंड राइज करके मुझे ये बताओ, कुछ के समझ में भी आया, एक दो लोगों के, चार लोग तो कम से कम साथ में दे दो, जो समझ में आया बताओगे, गजब आ गए चार बच्चे, बाकी टेंशन ना लेना। अरे वाह, 5 हो गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया, तन्मय, तपोव्रत, अरे गजब तपोव्रत, शानदार सोच रहे हो भाई, कार्तिक, अर्पिता, शिवांशी, बहुत बढ़िया, मनीष का, तो आप घबराए नहीं, क्यों, क्योंकि ये 11th वाले बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं फोर्स नाम का चैप्टर, वो कब पढ़ते हैं, 11th में 4 chapters के बाद, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक, प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ये सब, कॉन्स्टेंट रिलेशन, फिर आता है NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उस चैप्टर में बच्चे धीरे धीरे इसे सीखते हैं, तो आपको आपको अभी यदि अनइजी करे, तो इसमें ऐसा कुछ दुख वाली बात नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे आगे इसे सीखेंगे, केवल ये जिनके आ गया समझ में, बस खुश हो लो, आ गया, आप बाकी से थोड़े बेहतर सोच रहे हैं। अब यहाँ गौर करिए, ये पूरा का पूरा जो रॉड है, इसका मास हमने एम माना, और ये लेंथ जो है वो लेंथ है, वो लेंथ है ए, और यहाँ पर दो सिरे कहे थे आप लोगों ने, पी और क्यू कहे थे, ये आगे इधर लेफ्ट था पी ना, और ये ऐसा ही दिख रहा था ना, ये भी और ये भी। अब देखिए, आपको यदि रॉड दिखेगा तो रॉड तो आगे जाते दिखेगा, एक्सलरेशन हम मान लेते हैं ए, ए नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एफ बाई एम, यदि स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस पे ये रखा होता, ये किधर भाग रहा होता रॉड, ये एफ बाई एम वाले एक्सलरेशन से। अब बात करते हैं ये पिछले वाले सिरे के लिए, पिछले वाला सिरा जो है क्यू वाला, या यहाँ जो है ये पहले पी वाला सिरा के लिए, फॉर टेंशन एट पी, फॉर टी पी, ये रॉड देखो, पी वाला सिरा देखो, ये लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ हो गया, ये पूरा था यहां से यहां तक,
वो ए प्लस बी हो गया और लंबा वाला। वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो, और ये बी है, तो ये पिछला वाला सिरा हो जाएगा ए माइनस माइनस बी, बी और यहां पर एफ लग रहा है, लेकिन इसको मुझे नहीं देखना, मैं देखना चाहता हूं इतने टुकड़े के लिए, इतने टुकड़े के लिए मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर टेंशन जो लग आएगा दैट इज पी क्यू, और इसका एक्सलेशन ए नॉट मैं पहले से जानता हूं। इसका यदि मुझे मास लिखना कोई बता दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो मास एम कैसे लिखेंगे, देखिए जब लेंथ ए है तो मास है एम, जब लेंथ 1 यूनिट है तो मास है कैपिटल एम बाई ए, जब लेंथ ए माइनस बी है तो मास है एम बाई ए इंटू ए माइनस बी। ये कहलाता है यूनिटरी मेथड, 2 रुपये पे 4 आम तो 40 रुपये में कितना, तो ऐसे करते हैं, 1 रुपये में पहले निकालते हैं फिर 40 रुपये में निकालते हैं, तो यही वाली कहानी है यूनिटरी मेथड। आपको मास पता चल गया, अब ये हम क्या जानते हैं इस टुकड़े के लिए, इसे सिस्टम कहते हैं, और इस सिस्टम के लिए लिखते हैं एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ पर एम इंटू एक्सलरेशन ए नॉट, तो एफ नेट कितना दिख रहा होगा, तो एफ नेट तो दिख रहा होगा यहाँ पर टी पी, और एम ये इंटू रोल ए एम है, माइनस बी एम अपॉन ए इंटू ए माइनस बी हो गया स्मॉल एम, और साथ में कौन आएगा एक्सलेशन के लिए, ये आ रहा है एफ बाई कैपिटल एम। आप यदि ए नॉट भी रहने दे तो भी चल जाएगा काम, तो आपने ए नॉट ही रहने दिया, लफड़े में ना पड़े, ये ए नॉट रहने दिया एक्सलेशन के लिए। अब अगला आइडिया देखते हैं, अगला आइडिया देखते हैं कि अगला आइडिया देखते हैं कि यहाँ ये जो है टुकड़ा ए माइनस बी, इस ए माइनस बी टुकड़े के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक मिनट,
तो हम लोग यहाँ चले आए, इस जगह चेक करिएगा, देखना शुरू कर दिया है हमने वैल्यूज, टेंशन निकालने वाले टेक्निक इसके बारे में। अरे यार, इलेवेंथ के जो बच्चे ज्वाइन कर लिया है गलती से मेरे क्लास को, वो लोग आप अपने इलेवेंथ में चले जाएं, फिजिकल केमिस्ट्री है आई थिंक। और यदि नाइन ध्रुव और यस तो देख लेना, इवन जिज्ञान पे जो बैठे हैं वो भी, और नाइन्थ के यदि कुछ बच्चे आ गए हो तो दीनानाथ सर के क्लास में पहुंच जाएं, उनके पर्सनल जूम आईडी से, ग्रुप पे है आपके 11th 9th। ओके ठीक, अब तो चलेगा। यहाँ चेक करिए, अब यहाँ देखिए, यदि हमारे पास यहाँ हमारे पास 11th वाले यदि बच्चे आ रहे हैं गलती से मेरे क्लास में, तो प्लीज पहुंच जाए, फिजिकल केमिस्ट्री है आपका इस टाइम पे आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिए शेड्यूल। अब यदि मैं क्यू वाले पॉइंट के लिए सोच रहा था, तो क्यू वाले पॉइंट के लिए क्या करूं, किसे सिस्टम मान, क्यू वाले के लिए सिस्टम तो मानना पड़ेगा, तो यो यही देख लेता हूं मैं, कलर ले लेता हूं ये, और इसे कर देता हूं इसका मास, मास सोचता हूं ये एम डैश, और एक्सलेशन तो पता ही है ए नॉट, यहां पर जो फोर्स होगा दैट इज क्यू टी क्यू जो खींच रहा होगा, तो टी क्यू इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, एम डैश इंटू ए नॉट, एम डैश कितना होगा एम बाई इंटू बी इंटू ए नॉट, तो ये टी एट क्यू हो गया। अब हमें रेशियो चाहिए, अब यदि हमें रेशियो चाहिए तो टी एट पी अपॉन टी एट क्यू, टी एट पी क्या था एम बाई ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए नॉट, और टी एट क्यू क्या था एम बाई ए इंटू ए नॉट, ए एम बाई ए इंटू बी इंटू ए नॉट। तो अब ये देखो ए नॉट एक्सलेशन चला गया, एम बाई ए चला गया, तो हमारे पास ये टेंशन एट पी अपॉन टेंशन एट क्यू, ये रेशियो आ गया नंबर के फॉर्म में, ए माइनस बी बाई बी माइनस बी बाई बी। अब आप चेक कर सकते हैं ये रास्ता, ऑब्वियस है कि ये रास्ता लेंदी है, तो इस क्वेश्चन को यदि मैं नाइन्थ के बदले 11th के एग्जाम में पूछ लूं तो भी अच्छा क्वेश्चन ये कहलाएगा। तो यदि आप, मैं क्या कहता हूं, यदि आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, मीन्स नाइन्थ में है और 11th वाले बुकलेट बना लेते हैं, एचसी वर्मा कम से कम लगा लेते हैं, तो उम्मीद बन जाती है एचसी वर्मा के, जब आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन वहां दिख जाता है। एनएलएम के आप कोर्स कर लेते हैं 11th का, मान लो मेरे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं पिछले सालों के, वो यदि मैं आप कहो कि सर मुझे शेयर कर दो आप देख लेते हो, तो आपके वो आइडिया क्लियर हो जाता है। लेकिन बच्चे भी थोड़ा सा घबराते हैं कि यार मैं क्यों पढ़ूं 11, और एग्जाम देखो पीछे पड़ जाता है, नहीं, पूछ ही लेता हूं। जैसे कल पूछ दिया था पिछले लेक्चर में, जो जो वायर होता है उस वायर के करंट कैरिंग वायर के आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो आर बढ़ेगा बी कम होगा उसका ग्राफ। अब वो 12th में बताया जाता है आई और आर का ग्राफ वायर के लिए, ये बी और आर का ग्राफ इनफाइनाइट वायर के लिए, ये ऐसे होता है। अब वो यदि पूछ दिया तो पूछ दिया, हम कहेंगे कि नहीं सर ये तो सिलेबस में नहीं है, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, लेकिन वही दिक्कत है कि वो लिमिटेड है, अब पूछ देता है आगे का। चलिए यहाँ शेयर स्टॉप करके अगला फिर एग्जाम में पेपर देखते हैं, मेरे सामने होगा, हाँ ये देखिए। तो उसके बाद 46 47 हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 50 50 वाले में आप पूछ रहा है कुछ, क्या पूछ रहा है, एंगल दे दिया है और सी दे दिया है, एल दे दिया है, मास के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ये भी बता दिया गया है। चलो तो देखें क्या हो सकता है इनका,
एक काम करते हैं, किसी एक के बारे में सोचते हैं। अब ये हो गया क्लास इलेवेंथ का वेक्टर। कैसे? तो इधर फोर्स जो आएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अट्रैक्शन वाला, और इधर जो होगा वो अर्थ अट्रैक्ट करके खींच रहा होगा स्मॉल mg, और इधर जो होगा वो धागे वाला कौन होगा टेंशन t। अब धागे पर एक बॉल के लिए कहानी पकाते हैं, ये बॉल दिख रहा है रेस्ट पे, बॉल का मास मान लिया है m, इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो लिख रहे होंगे g m by c square, क्योंकि c डिस्टेंस है दोनों बॉल के बीच का, दूसरा यहां पर है जो छत से आया हुआ, अभी उसके बारे में नहीं सोच रहे, सिमेट्रिकल है तो उधर भी वैसा ही केस बनेगा f t और mg, तो मैं अभी यहां देख रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये mg हो गया, ये gmm by c square हो गया, ये टेंशन हो गया, आपसे पूछा कि ये एंगल अल्फा कितना होगा, तो ध्यान से ये देखिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन पर होगा तभी ये बैलेंस पाएगा, और रिजल्टेंट के लिए एक एक लॉ है होता है, इस लॉ को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो यदि यहां अल्फा है तो आप गौर करो, यहां अल्फा होगा, यहां भी अल्फा होगा। अब एक वेक्टर वेक्टर की कहानी देखो, ये है एक एफ और ये है एक एम जी, और इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है यहां पर रिजल्टेंट, तो ये जो अल्फा आप देखेंगे तो ये भी हो जाएगा एफ, और टेन अल्फा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस एफ बाई एम जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जी एम स्क्वायर बाई सी एम, एक स्मॉल एम इस साइड से चला गया, तो ये टेन अल्फा आपको दिख रहा है, तो अल्फा जब लिखा जाएगा ना तो टेन लेते हैं, पढ़ते हैं टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में आ गया है जी स्मॉल एम बाई सी इंटू जी। अरे अब ये वेक्टर का सम का आइडिया यदि नहीं होगा आपके पास, वेक्टर सम का आइडिया यदि नहीं होगा आपके पास, तो हमको ये जाना पड़ेगा, मतलब एलेवेंथ में उसे कलेक्ट करें, ठीक है। तो ये नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ को टच कर दे रहा है, इसीलिए लफड़ा है थोड़ा सा, तो घबराइए नहीं, आपसे नहीं बनेगा तो बाकी से भी नहीं बनेगा, हमने आप लोगों के ज्यादा क्लास रखे हैं, हमने आप लोगों के एक ग्लास पानी है, ये यदि मेंटल एबिलिटी के क्लास करवाएगी, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी करवाएगी, क्यों करवाई गई है, क्योंकि उधर के यदि क्वेश्चन होते हैं वो आप कर दो, साइंस में पीछे पड़े रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पता चला वो 11 12th का आ रहा है वो करेंगे, तो आप उधर से कर लो मार्क्स, तो वहां आपके एडवांटेज मिल जाए, इसलिए ये कोशिश की गई है। तो ये जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये जो पॉइंट हम लोग सोच रहे हैं, ये इसके कि आप यदि करे हो 11th वाले क्वेश्चन, और यदि नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि टेंशन तो सबका है, सबसे सबके लिए ये मुश्किल है, यहां इस बात पर कंफर्टेबल हो गए तो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना, जिनको वेक्टर्स का हल्का सा सेंस है वो तो एक बार एक काम करो ना, हैंड राइज कर दो सर, नीचे सी स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, सी स्क्वायर कर देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा ये समझ में आया तो प्लीज हैंड राइज कर ले, थैंक यू। मैंने इसका सी स्क्वायर मिस कर रहा था, ये सी स्क्वायर। नाइन्थ के और इलेवेंथ के बच्चे यदि आ गए हों कुछ, तो इलेवेंथ वाले फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाएं, नाइन्थ वाले हों तो वो अपने दीनानाथ सर के जूम आईडी पासवर्ड पे ज्वाइन कर लें प्लीज, नाइन्थ के अपने क्लास में चले जाएं, इलेवेंथ के अपने क्लास में चले जाएं।
नेक्स्ट, अब यहां तक यदि थोड़ा बहुत आ गए, छह बच्चों के भी आया समझ में, तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने अच्छा एफर्ट किया हुआ है, आपने अच्छा एफर्ट किया है। और बाकी हाफ हार्टेड मत होना, आप जो है ये दिमाग में रखना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नाइन्थ में नाइन्थ का पढ़ते हैं, उनके लिए ये सबके लिए ये टफ है, तो आप ही के लिए नहीं केवल। नेक्स्ट, ये वेक्टर का कंसेप्ट 11th में है, थीटा का कंसेप्ट 10th में है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th में है, ये 10 इनवर्स लिखना आपके समझ में आए। लेकिन वही है, गवर्नमेंट को स्टाइपेंड देने हैं, आप में जो सिलेक्ट होते हैं तो पूछ ही रहा है थोड़ा टफ। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर पहुंचते हैं। मनीष का आप नंबर बताएंगी कि आप सीधे लास्ट में चले। सर 1 मिनट। सर 64। सर 60, सॉरी 60 के बाद हाँ 64। हाँ ओके ओके। अब ये आ गए हम लोग 60 के पास, ठीक। यहाँ चेक करते हैं 60 नंबर इन द सर्किट। बैटरी से पहले करंट को आता देखते हैं। एक बेसिक रूल मैंने क्या बताया कि बैटरी से जितना करंट पॉजिटिव सिरे से निकलेगा बाहर, उसको घूम के वापस उतने को पहुंचना है, ये एक बेसिक रूल होगा। या तो ये सोचो पॉजिटिव सिरे से प्लस आ रहा है, निगेटिव सिरे से माइनस, और करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, जिधर आप माइनस मूव करता है उसके अपोजिट, तो आप यही कहोगे निगेटिव सिरे से करंट भीतर जा रही है। ऐसे देखोगे जो करंट निकलता है, मान लो 2 एम्पियर निकला तो पहुंचेगा भी 2 एम्पियर, ये नहीं कि रास्ते में बैठ गया अब नहीं जाऊंगा थक गया पहुंचूंगा ही नहीं बैटरी तक, ये बेसिक रूल है, आइडिया है बेसिक। अब बताइए ये करंट यहाँ आया और इस करंट के आने के बाद इसके दो रास्तों पे मैं जाते इसे देख रहा हूं, तो दो रास्तों पे भाई जाएंगे क्यों, एक तरफ चार लोग हैं डंडा लेके बैठे बहुत मार मारूंगा, और एक तरफ देख रहे हैं कोई नहीं है, तो जब कोई नहीं वह वाला रास्ता मिला तो वहां आया। फिर यहाँ आके दो रास्ते दिख रहे हैं, एक तरफ बहुत 6 लोग हैं डंडा लेके बहुत मार मारूंगा, एक तरफ कोई नहीं है, देखो तो कैसे करंट चुपके से निकल गया, किस रास्ते से बचते बचाते, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो दो डंडा पिटाई खा के पहुंच जाएगा। तो अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस रास्ते में कितने मिले जिनसे गुजरना पड़ा, मजबूरी है पिट करके जाना पड़ा चार्ज को। आई इक्वल्स टू वी बाय आर लिखते हैं, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ, केवल और केवल 2, रास्ते में किसी से इसने नहीं पिटाई खाई। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ आई देख रहे हैं, आई कितना हो जाएगा 20/2, दैट इज 10 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो यहाँ पर तो कोई करंट गया ही नहीं, आई आर क्या करते, यहाँ आई आर हो जाता 0, पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम, आई आर हो जाता 0। ओके, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये देखते हैं 11th के बच्चे प्लीज आप फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाएं, 9th के बच्चे आप चले जाएं अपने दीनानाथ सर के क्लास में, उनके पर्सनल जूम आईडी से आपके ग्रुप पे अवेलेबल है। और मैं अभी यहाँ एनटीएससी के लिए गाइड कर रहा हूँ, 10th वाले बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। 9th के बच्चे यहाँ अपने क्लास में जाए और 11th वाले भी अपने क्लास में जाए प्लीज, और वो जूम पे अवेलेबल है आपकी मीटिंग आईडी जो भी रिक्वायर्ड है आपको, उनके पर्सनल पे आज ज्वाइन करें प्लीज। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ये तो 61 मेरे स्कोप से बाहर है, ये भी मेरे स्कोप से बाहर दिख रहा है, देखें वैसे मोमेंटम 64 विद टाइम अंडर कोलिजन इज शोन इन द फिगर। देखो ये किसका है, मोमेंटम टाइम ग्राफ, ध्यान से देखिए, स्लोप होता है वाई बाई एक्स, मोमेंटम बाई
मोमेंटम बाई टाइम, और मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? फोर्स। तो चेक करो, तो यहां पर हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आ गया कि जो ग्राफ होगा मोमेंटम टाइम का, ग्राफ होगा मोमेंटम टाइम का, उसका स्लोप क्या देगा? स्लोप देगा फोर्स। ये हमने पता कर लिया, स्लोप देगा फोर्स। तो अब बताओ कहां पर स्लाइड करने में ज्यादा मजा आएगा? ए पे, स्लोप जो है ए पे वो लगभग जीरो दिख रहा है, वहां बैठ जाओगे तो स्लाइड व्लाइड करोगे ही नहीं। बी पे स्लोप है, सी पे तो ध्यान से देखो, पहले ए पे ऐसे, फिर बी पे ऐसे, फिर सी पे ऐसे, फिर डी पे ऐसे। तो हमसे कह रहा है मिनिमम, मिनिमम मिल सकता है ए के पास या डी के पास, और मैक्सिमम मिल सकता है सी के पास। तो ये सी के साथ कौन दिख रहा है? बी। मिनिमम पहले किसका, पहले क्या है? मैक्सिमम। तो सी के साथ कौन सा दिख रहा है? ए। तो ये आंसर हो जाएगा। कैसे एनालाइज किया? मैंने आपको पिछले टर्न पे भी कहा है कि जब भी कोई ग्राफ आता है तो ग्राफ में या तो एरिया हमारे काम का होगा और नहीं तो स्लोप हमारे काम का होगा। तो यहां पर कौन काम का है मुझे नहीं पता। हमने क्या किया, जो डाटा था उसको पहले एनालाइज किया। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दे रहा है, यहां पर ये इसको एक्सटेंड कर दिया, ये दे रहा है मोमेंटम, और यहां पर ये ग्राफ जो है ये दे रहा है टाइम, और फोर्स हम जानते हैं, ये लिखते हैं डीपी बाई डीटी 11th में, लेकिन अभी आप नहीं जानते हैं, आप फोर्स लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो और यहां से ये हमारे सामने क्या आ गया? मोमेंटम बाई टाइम। तो मोमेंटम बाई टाइम जो आया है ना, मोमेंटम बाई टाइम, तो ये जो होता है ये फोर्स, ये वाई बाई एक्स हो गया, ये आ गया स्लोप। तो स्लाइड करने में सबसे कम मजा या सबसे कम थ्रिल या सबसे कम एक्सलेशन ये ए वाले पॉइंट पे बैठने पर मिलेगा, सी पे सबसे ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो सबसे कम यहाँ पर मिनिमम आएगा फोर्स, और यहाँ पर मैक्सिमम आएगा फोर्स। जिन लोगों के ये समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज कर दें एक बार। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 10 बच्चों के आ गए समझ में, बहुत अच्छी बात है। हादिया एक बार और कोशिश करूं क्या थोड़ी सी? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ढूंढते हैं, नहीं तो ये था, आगे बढ़ते हैं। सर 81। चलिए 81। टू बॉडीज ऑफ मास एम ए एम बी आर ड्रॉ फ्रॉम हाइट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी विथ व्हिच दे रिच ग्राउंड इज। ध्यान से देखो, वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलेशन दैट इज जी इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस। वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू g इंटू a, और उसी तरह वी बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू g इंटू b। तो यदि हम इनको डिवाइड कर दें तो वी ए बाई वी बी हमें स्क्वायर में दिखने लगा, ये a बाई b, तो वी ए बाई वी बी दोनों तरफ स्क्वायर रूट यदि ले लें तो कितना दिखने लगेगा?
अंडर रूट ए बाई बी, चेक कर लीजिए, ये हमारे पास आ गया। ओके, ये तो आसान है, ये सबके समझ में आया। ये एक बार और कोशिश करूं, लोअर कर दूं पहले सबका हैंड, लोअर ऑल हैंड्स। अब जिनको, वेट करिएगा, जिनको डाउट हो अभी हटा लो हाथ, जिनको डाउट हो केवल वो हैंड राइज करो, जिनको डाउट हो केवल वो हैंड राइज करो, जिनको समझने का मन हो एक बार और समझना हो। ठीक है, समझाता हूं। आप मुझे ये बताइए, एक बॉल को ये ड्रॉप्ड करते हैं, बॉल इज ड्रॉप्ड, ये एच हाइट से आपने गिराया, तो नीचे कौन लाएगा? जी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। और ये ग्राउंड पे आया, इसका वेलोसिटी है वी, ग्राउंड पे आते आते। तो आप यहां यदि कह देते हैं ए और यहां यदि कह देते हैं बी, तो ए से बी आप सोचोगे ना कि काइनेमेटिक्स कुछ हुआ करता है, तो ए से बी आप काइनेमेटिक्स अप्लाई कर रहे हो, ए से बी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो v कितना हो गया? अंडर रूट टू जी एच। v किसके प्रोपोर्शनल है? रूट एच। तो वी ए बाई वी बी कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में जो कहा गया, अंडर रूट एच वन बाई एच टू, अंडर रूट ए बाई बी, क्योंकि हाइट a और b कहा गया। अब ओके है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 84 फिर से आया, क्लास 11th SHM डिटेल। ये क्वेश्चन नंबर 84, पहले एक टाइम पीरियड देखो, टाइम T1 होता है 2π अंडर रूट L बाई G, ये मुझे मान लो याद है, 2π अंडर रूट 1 बाई जी मैंने कह दिया, ये T1, और 1 भी मीटर में यदि रखते तो ये हो जाता, हाँ मीटर ही है, मीटर ही है। और दूसरा देखते हैं T2, ये होता है 2π अंडर रूट 25 बाई जी, 5 टाइम्स 2π अंडर रूट 1 बाई जी, 5T1। अब सेम फेज में आने का मतलब, तो हम लोग ये लिख देते हैं, वहां SHM हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, टू कम इन सेम फेज टुगेदर, टी मिनिमम इक्वल्स टू 2π बाई ओमेगा रिलेटिव, 2π बाई 2π बाई T1 माइनस 2π बाई T2। और किसके बारे में चाहिए, किसके फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए? After how many oscillation of smaller, मतलब T1 के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यदि मैंने यूज कर लिया 11th का, जो कि 11th में दो एक लेक्चर देने के बाद, नहीं कम से कम 3 लेक्चर देने के बाद यहाँ हम लोग पहुंचते हैं, और आप जब यहाँ आ जाते हैं तब हम बात करते हैं T1 T2 upon T1 minus T2। आपको रिप्लेस करना है T2 को, T2 माइनस T1 डिनोमिनेटर में, T2 को रिप्लेस करना है किससे? 5T1 से।
T1 माइनस T1 तो कितना आ गया 5/4 T1। तो क्या हो जाएगा 5/4 जब चक्कर हो जाएगा 1 का, तब T2 और T1 एक साथ किसी एक ही जगह पर घूमते हुए किसी एक ही डायरेक्शन में जाते हुए हमें दिखेंगे। एक फेज में होने का मतलब होता है एक किसी खास मोमेंट पर एक ही पोजीशन पर एक ही डायरेक्शन में जाते हुए ऑब्जेक्ट को देखना। किसी ओरिजिन पे मान लो एक जा रहा है पूरब और एक जा रहा है पश्चिम, मतलब एक जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट एक जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, हम कहेंगे ये अपोजिट फेज में। यदि किसी मोमेंट पर दोनों एक ही जगह ओरिजिन पे हैं और दोनों जा रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट तो हम कह देते हैं कि ये सेम फेज में है। सेम फेज मतलब एक जैसा टेंडेंसी होना, अपोजिट फेज मतलब जस्ट एकदम अपोजिट। माइसा क्या ये तो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है हमें, क्या इस पे ज्यादा एफर्ट किया जाए? ये SHM का डिटेल जब आप जाते हैं ना तब बेहतर समझ में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ दो, और आपको शक हो तब किसी भी 11th वाले बच्चे से पूछ लो जो एवरेज है, जो एबव एवरेज है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, वो भी इसे गलत कर दे। एवरेज और एबव एवरेज के बीच वाले बच्चों से ये मतलब चांस है कि शायद वो कर लें ना कर, और एवरेज और बिलो एवरेज से तो ये नहीं बनता। 11th की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो हम 9th और 10th के बच्चों के साथ हैं, वो तो सोचो ना कैसे काम चलेगा। और तो सर क्यों पूछ देता है? एक काम तो ये हो सकता है कि यदि 1921 वाला मतलब थोड़ा लेट एग्जाम हुआ हो तो 11th में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे इतना पढ़ चुके होंगे, इतना एग्जाम हो गया हो लेट, लेकिन इतना लेट जनरली होता नहीं कि 11th में यहाँ तक बच्चे पढ़ लें। तो मैं नहीं मानता यार कि ये अपने आप हम लोग इस लेवल पे आ जाते हैं। हाँ यदि एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट है, आपको फीस नहीं देना पड़ रहा है, आपको कहा गया कि चलो भाई आप चाहो तो 11th कर लो, आप बैठ गए 11th का पूरा क्लास करने, तो कभी ना कभी आप उस लेवल पे तुरंत 9th में ही पहुंच गए। लेकिन मैं नहीं सोच समझता कि वो मस्त है सबके लिए या सब ऐसा कर ही लेते हैं। फिर भी आप यदि कोशिश करेंगे तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से आप कलेक्ट कर ही लेंगे अपने लिए नंबर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट नंबर के बारे में कुछ चर्चा करिए। से 98 9019 से 98 98 ये भी तो दिख रहा है एक चित्र वाला, से 89 वाला इनकम्प्लीट है। एक सेकंड देख लेता हूँ। चला गया 89 वाला एक बार देखें क्या ये ठीक है, कुछ मिसिंग है? सर देखो तो ऑप्शंस 89 नहीं पर है। थे। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी फ्रिक्शनलेस प्लेन, फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन फॉर व्हिच द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। चलो देखते हैं, यदि इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, ये है स्मॉल एम। स्मॉल एम को इधर जो ला रहा होता है और इधर जो लग रहा होगा एक को कहते हैं नॉर्मल। एमजी के फिर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कंपोनेंट बनाना ये 11th में सीखते हैं वेक्टर का। ये थीटा होता है तो ये थीटा होता है, ये 90-थीटा होता है, ये 90-थीटा होता है, ये 90-थीटा होता है, और ये इधर थीटा आता है। जिधर थीटा होता है उधर एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट, और उसके 90 डिग्री पे एम जी साइन थीटा कंपोनेंट, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देख रहे होते हैं एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एफ है, इसके भी दो टुकड़े कर देते हैं। एफ का इधर आ जाता है, यहाँ थीटा होने के कारण इधर वाला टुकड़ा हो जाता है एफ कॉस थीटा, हाँ मतलब इधर वाला टुकड़ा हो जाता है एफ कॉस थीटा।
और इधर वाला हो जाता है एफ साइन थीटा। एक एक साफ सुथरा फिर से आइडिया लें, इंक्लाइन प्लेन के ना ऊपर ले जाने वाला कौन है एफ कॉस थीटा, नीचे लाने वाला कौन है एम जी साइन थीटा। अब यदि ये ना ऊपर जाए ना नीचे तो यहां पर देखो क्या आ गया, एफ बाई एम जी किसके बराबर आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर आ गया। एफ बाई एम जी किसके बराबर हो जाएगा इंक्लाइन, फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन फॉर विच द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये क्या है ये भी देखें, आगे बढ़ के कुछ आगे आया हुआ है क्या, ये आंसर ये है एफ और एम जी यदि बराबर हो जाए तो थीटा 45 होगा। यहां चेक कर लीजिएगा, यदि एफ एम जी के बराबर हो गया तो एफ बाई एम जी जो है जिसे आप टेन थीटा कह रहे हैं थे, ये हो गया एम जी बाई एम जी, ये हो गया वन, तो यहां से टेन थीटा जो हो गया ये हो गया टेन 45 डिग्री, तो यहां से थीटा जो होगा ये हो जाएगा 45 डिग्री। बाकी कहानी कोई खास वहां नहीं रहता। एफ और एम जी यदि बराबर हो, क्वेश्चन में क्या कह रहा था अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू द वेट, अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू द वेट यदि है एफ और एम जी, तो यहाँ चेक कर लीजिए ये किसके बराबर हो गया थीटा 45 के बराबर। इसका एक आसान बात, इसका एक आसान रास्ता और चल के देख लेते हैं कि यदि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट था और ये दिख रहा था रेस्ट पे, तो रेस्ट पे दिख रहा था तो इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा जहां कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता देखते हैं। उसके अलावा यहां पर कौन सा मौजूद था फोर्स, तो एक मौजूद था एम जी और एक मौजूद था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला एफ जो क्वेश्चन में कहा गया था एम जी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता होगा वो किससे बैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा इस नॉर्मल से। और यहां पर या इधर नीचे आते थे तो नीचे यहां एंगल था थीटा, तो ये जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल मतलब 90 डिग्री जो यहां देख रहे हैं ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो इधर वाला हो जाएगा थीटा, और ये थीटा हो गया और इसी लाइन पे रिजल्टेंट आएगा किसका, इनका और इनका, जिससे नॉर्मल और ये बराबर हो जाए और दोनों एक जैसे हैं तो रिजल्टेंट कितने डिग्री पे होंगे, ठीक बीच में, इसलिए ये 45 कह देंगे, तो थीटा 45 हो जाएगा, तब ये रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल को बैलेंस कर देगा। तो एक ज्योमेट्री वेक्टर से देखने का ये नजरिया होता है, लेकिन अभी आप मत पड़ो इस परेशानी में, अचानक मत परेशान हो इस पॉइंट को लेकर। जो वेक्टर्स पढ़ चुके हैं जिनको रिजल्टेंट समझ में आता है, दो फोर्स एक जाता तो ब्लॉक जाएगा ठीक बीच में, तो वो लोग फिर इस तरह सोच सकते हैं बीच में मतलब थीटा 45 डिग्री। नेक्स्ट 89 के बाद कौन सा कहा मनीष का आपने, से 98 98 देखते हैं। अब 98 की क्या कहानी है कि द फोर्स बिटवीन ए हॉलो स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड ए पॉइंट मास स्मॉल एम एट पी इनसाइड इट शोन इन फिगर, पी सी इक्वल्स टू एक्स, रेडियस इक्वल्स टू आर। A force between a hollow sphere of mass capital M and a point mass M at P inside shown. ध्यान से सुनिए, जो ग्रेविटेशन का मेरे क्लास किया हुआ होगा जिनका, वो याद करिए सेल थ्योरम हुआ करता था जो कहता था कि यदि ये कोई सेल है और कोई पॉइंट मास है तो इनके बीच में जब फोर्स देखना हो तो इसका केस सेल थ्योरम का केस वन, सेल थ्योरम सेल माने
ये सेल माने हॉलो स्फीयर। तो सेल के मास को उसके सेंटर पे देखते थे और जो हम फोर्स लिखते थे ये मान करके कि सेल नहीं है, सेल एक पॉइंट मास में बदल गया। तो ये जो फोर्स आप लिख देते थे, ये फोर्स कितना लिख हो जाता था, यदि ये आर है तो एफ लिख देते थे जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। और केस टू होता था जब इनसाइड रखा हुआ हो मास। तो ध्यान से देखिए, सेल के भीतर यदि मास होता स्मॉल एम, और ये है सेल कैपिटल एम, कैपिटल एम, तो ये चारों तरफ के पार्टिकल इसे अपने जैसे अपनी तरफ बुलाते एक जैसे फोर्स लगा के, तो नेट फोर्स क्या हो जाता, एफ नेट ऑन एम ये जीरो, और एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण एफ नेट ऑन कैपिटल एम जीरो। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम जितना स्मॉल एम पे लगाता है फोर्स, उतना ही स्मॉल एम कैपिटल एम पे लगाता है। स्मॉल एम को सारे तरफ के मास अपनी अपनी तरफ बुलाने लगे तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो केस टू हम याद रखते हैं कि भीतर कहीं भी, इनसाइड एनीवेयर, एफ नेट जो होगा ना ग्रेविटेशन वाला वो होता है जीरो। क्या ये सेल थ्योरम याद रख पाएंगे? मैं उम्मीद करूं आप लोगों से। यस सर। ठीक, तो ये था अपना सेल थ्योरम, और इसको हम फॉलो करें तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये भी डिटेल आता है कब, ग्रेविटेशन चैप्टर में, जब हम 11th में पढ़ते हैं। तो 11th को खूब यूज किया हुआ मैंने दिखाया है। तो आपको, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको डराया जाए, केवल आपको ये विश्वास दिलाया जाए, ये सारे आप करेंगे आपके बदले दूसरा कोई बच्चा करेगा, तो टेंशन ना लो। आपसे जो नहीं बनेगा वो दूसरे से भी नहीं बन रहा। तो आप ढूंढो वो क्वेश्चन जहां से मार्क्स कलेक्ट कर सके। चाहे आप हिस्ट्री का एक क्वेश्चन सही करके मार्क्स ले आए, चाहे फिजिक्स का एक क्वेश्चन सही करके मार्क्स ले आए, दोनों मार्क्स का वैल्यू एक ही जैसा है। ज्यादा मार्क्स जिनके होंगे उनको स्टाइपेंड मिल जाएगा गवर्नमेंट पर। ठीक है, तो चलिए आप आराम से लगिए, आराम से एनालाइज करिए इन चीजों को, आराम से टेस्ट दीजिए। फिर भी कोई पॉइंट डिटेल पढ़ना हो, या लगे कि नहीं सर ये दो लेक्चर मुझे शेयर कर दो, रिकॉर्डिंग मैं देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, तो आप, मैं शेयर कर दूंगा। मेरे बहुत से रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैंने डाल दिए हैं, यदि आप 11th वाला ऑब्जर्व करना चाहें तो वो आपको मिल जाएगा ऑब्जर्व करने के लिए। अदरवाइज आप अपने मेहनत पे कंटिन्यूअस लगे रहें, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा आप लोगों का परफॉर्मेंस। अभी के लिए ये यहीं तक क्लास रखते हैं। पर्सनली आप लोगों के कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो रिलैक्स करिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।